आज मैं दो खास अवसरों पर उड़ीसा राज्य पहुंची हूँ। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसमें मैं स्वयं, मेरी पार्टी अपना दल के सदस्य के रूप में शामिल हूँ, उसके 8 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है उस उपलक्ष्य में। और दूसरा मेरा सौभाग्य है कि मैं जब उड़ीसा आई हूँ तो एक दूसरा खास मौका है। मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ। समस्त उड़ीसा वासियों को और खास तौर से यहाँ की मातृशक्ति को इस राज्य के प्रमुख पर्व रजो पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं मिली। यहां आगमन के उपरांत मुझे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के बारे में जानकारी मिली, किस प्रकार 3 दिन तक लगातार प्रकृति का, धरती माँ का पूजन किया जाता है, मातृशक्ति का पूजन किया जाता है, मातृशक्ति को सम्मान दिया जाता है। ये बेहद अनूठी परंपरा है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब मैं आप सबके बीच उड़ीसा राज्य में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, तो इस रजो पर्व में मुझे भी मेरी बहनों के साथ सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद होगा कि किस प्रकार इस रजो पर्व के माध्यम से परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं, पारंपरिक भोजन बनाती हैं, बहुत सारा हर्षोल्लास, खुशियां पूरे वातावरण में होती हैं और पूरा राज्य ही इस रजो पर्व की खुशी और उल्लास में लीन होता है। तो आज मुझे भी कुछ ऐसे सौभाग्य के क्षण प्राप्त होंगे इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए। तो एक बार फिर आप सभी प्रदेशवासियों को इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में हम सभी भारत सरकार के मंत्री देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज मुझे आप सबके बीच आने का भी ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन 8 वर्षों के सफल कार्यकाल के बारे में, इसे सफल क्यों कहूंगी या इस 8 साल के कार्यकाल की क्या विशेषताएं रही, इसके बारे में चंद बातें आपसे जरूर कहना चाहूंगी। हमारी सरकार ने जब देश के विकास की योजना तैयार की तो उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखा। यह कार्यकाल अपने आप में अलग और खास इसलिए है क्योंकि हमने देश के संतुलित विकास पर बल दिया। देश का पूर्वी हिस्सा एक लंबे समय से, आजादी के बाद से, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा और पूर्वी हिस्से को विकास की आवश्यकता है। जब हम देश के संतुलित विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़े तो हमारी सरकार की दृष्टि देश के पूर्वी हिस्से की ओर गई। उड़ीसा देश के पूर्वी छोर पर बसा हुआ राज्य है और देश के समस्त पूर्वी हिस्से की तरह उड़ीसा राज्य में भी भारत सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंचे, इसका हमने प्रयास किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार जो गरीब कल्याण, किसानों की तरक्की, युवाओं के उज्जवल भविष्य, महिलाओं के सशक्तिकरण, ऐसे तमाम विषयों के प्रति समर्पित है। अगर मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की उपलब्धियों की बात करूं तो उड़ीसा राज्य में लगभग 40 लाख
हमारे किसान भाई बहन हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं और इस पीएम किसान योजना के तहत 40 लाख किसान भाइयों को 8000 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार के माध्यम से पहुंचाई गई है। हमारी इस पूरी कार्य योजना इस दौरे के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित पात्र व्यक्तियों से संवाद की भी योजना शामिल है और मैंने स्वयं हमारे कुछ जो किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनसे संवाद भी किया है। इस निधि से इस 6000 रुपए की धनराशि जो किसानों को दी जाती है उससे उनकी बहुत सारी खेती के कार्य से जुड़ी हुई छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति करने में उन्हें सहूलियत हुई है। इसी प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत सरकार में मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी पिछले कार्यकाल में रही हूँ और हमने आयुष्मान भारत की योजना को लागू किया जिसके दो स्तंभ हैं। पहला स्तंभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके अंतर्गत देश के करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था दी गई और दूसरा स्तंभ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का है। यानी इसके दो स्तंभों में ये दुखद बात है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो देश के एक गरीब परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ताकत हो सकता है। हम सब जानते हैं कि एक गरीब परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार यदि किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करने में स्वयं को अक्षम पाता है। इस बोझ से उस गरीब परिवार को मुक्त करने के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की योजना लाई गई, किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा राज्य में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ गरीबों को नहीं पहुंच पाया क्योंकि इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इसमें हमें कामयाबी जरूर मिली। 5000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स उड़ीसा राज्य में बनाए गए ताकि गरीब जनता को अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए बहुत लंबी दूरी तय न करनी पड़े बल्कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें अपने नजदीक प्राप्त हो सके। टेलीमेडिसिन को भी बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही हमने जन औषधि केंद्र उड़ीसा के अंदर 351 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए ताकि मार्केट रेट से कम दामों पर, काफी कम दामों पर, 60-70% कम दामों पर दवाएं या अन्य जो मेडिकल जरूरतें होती हैं वो आम परिवारों की इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से पूरी हो सके। कनेक्टिविटी किसी भी राज्य के लिए बेहद आवश्यक होती है। सड़कों के विकास से ही हम किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रगति दे सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है इन 8 वर्षों में इस राज्य के अंदर 6000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण संभव हो पाया है। इसी प्रकार हर घर में टैप वाटर कनेक्शन, नल के जरिए पीने का शुद्ध जल पहुंचे, इस योजना को हम पूरे देश में लेकर आए हैं और उड़ीसा राज्य के अंदर अभी तक 42 लाख घरों में हम टैप वाटर कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और जितने भी अभी हाउस होल्ड बचे हुए हैं वहां भी इस कार्यक्रम के तहत नल के जरिए शुद्ध पीने का जल पहुंचाने का काम हम करेंगे। एक गरीब के सर पे छत हो ये उसका सपना होता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 17 लाख और शहरी आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख गरीबों को उनके सर पर छत देने का काम भारत सरकार ने किया है। हमारी गरीब बहनों को स्वच्छ ईंधन के जरिए बेहतर जीवन मिले इसके लिए उज्ज्वला योजना के
52 लाख कनेक्शन हम इस राज्य की हमारी गरीब बहनों को पहुंचा पाए हैं। तो ये कुछ हमारे काम रहे हैं इन 8 वर्षों में, और कुल मिलाकर सोच यही है कि देश का संतुलित विकास हो और देश का सर्वसमावेशी विकास हो, और सर्वसमावेशी विकास के अंतर्गत ही हम गरीब कल्याण की योजनाएं लाए। और ये तमाम योजनाएं जो मैंने आपको गिनाई, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो सौभाग्य योजना के अंतर्गत, या आयुष्मान भारत हो, या जनधन के खाते हो, इन तमाम योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना चाहिए। और हमारी सरकार की गवर्नेंस रजीम की ये विशेषता है कि हम किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते हैं, यानी हम टुकड़े टुकड़े में किसी समस्या के समाधान को अप्रोच नहीं करते, बल्कि किसी भी समस्या को हम स्थायी समाधान की ओर लेकर जाते हैं। और इसके लिए वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई उसकी रूट के कॉज एनालिसिस करके स्थायी समाधान के जरिए हम उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते आए हैं। भविष्य में भी हमारी सरकार की ये कोशिश होगी कि उड़ीसा राज्य की जनता भारत सरकार की अनेकों अनेक योजनाओं से लाभान्वित हो और यहाँ की आम जनमानस के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर आए, एक बहुत बड़ा बदलाव आए। मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का काम देखती हूँ, और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एक ओर देश के निर्यात को बढ़ावा मिले, दूसरी ओर देश में उद्योगों के लिए एक सकारात्मक इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट विकसित हो। हमारी कोशिश है कि देश के हर जिले के अंदर निर्यात करने लायक, जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो, ऐसा उत्पाद हम चिन्हित करें, और हर जिले के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी बना रहे हैं, क्योंकि हर जिले को हम एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि उड़ीसा पर भी है, और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ के हर जिले से जो स्थानीय रूप से उत्पाद बनाए जाते हैं, उनके क्वालिटी अपग्रेडेशन करके, उनका वैल्यू एडिशन करके, उनको एक्सपोर्ट के लायक बना के हम उसको देश के बाहर ग्लोबल मार्केट, एक वैश्विक बाजार उपलब्ध करा सकें, ताकि यहाँ के लोगों की आमदनी भी बढ़े, राज्य का विकास भी हो, और साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। स्टार्टअप्स को भी हम तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं। आज देश के अंदर 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, यानी देश के हुनरमंद पढ़े लिखे नौजवानों ने स्वयं अपने बलबूते अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनाए और उनको बड़ा किया। वो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, और इस अभियान को हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज हमारे देश के जो 70,000 स्टार्टअप्स मैंने आपको बताया, उसमें 1,270 स्टार्टअप्स उड़ीसा में हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि उड़ीसा के अंदर और नौजवानों को मौका मिले, और स्टार्टअप्स यहाँ से बने, यहाँ के स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने, और उड़ीसा के आर्थिक विकास को नए पंख मिले, नई गति मिले। तो भारत सरकार की पूरी दृष्टि इस राज्य पर है, भारत सरकार पूरे तरीके से इस राज्य के विकास के लिए तमाम प्रयास करेगी। और पुनः मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपने हमारी बात सुनी। मैडम एक एक चीज, आज मोदी ने ट्वीट किया है कि 1.5 साल में कुछ कैसे होगा वो? देखिए, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम देश में करोड़ों टॉयलेट्स बना देंगे,
तो लोगों ने पूछा कैसे होगा ये, हमने करके दिखा दिया। जब मोदी जी ने कहा कि हम करोड़ों गरीबों के आवास बना देंगे, तो लोगों ने कहा कैसे होगा ये, असंभव है, हमने करके दिखा दिया। मोदी जी ने कहा कि हम करोड़ों घरों में बिजली पहुंचा देंगे, तभी लोगों ने कहा कैसे होगा ये, हम करके दिखा देंगे, हमने करके दिखा दिया। तो आज जब हम कह रहे हैं कि देश के अंदर एक फैसला हमारी सरकार ने किया है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख रिक्रूटमेंट्स हम करेंगे, तो इस संकल्प को भी हम पूरा करके दिखाएंगे। हमारे भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में जो वैकेंसीज हैं, जो बैकलॉग है, उसको पूरा किया जाएगा, नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा कि वो आए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।